भागलपुर सुल्तानगंज थाना चौक पर सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन कराने के लिए अंचलाधिकारी शंभु शरण राय और प्रखंड विकास पदाधिकारी मनोज कुमार मुर्मू ने दो पहिए और चार पहिए वाहन और पैदल चल रहे लोगों को सरकार की गाइडलाइन का पालन करने के निर्देश देते हुए लगभग 70 लोगों का मास्क चेकिंग के दौरान फाइन काटा। फाइन नहीं देने वालों को उठक बैठक लगाई गई और मास्क लगाकर चलने का निर्देश दिया गया। अंचलाधिकारी द्वारा तथा प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा ये लोगों से अपील की गई है कि सभी लोग सरकार की गाइडलाइन का पालन करें। यदि कोई भी सरकार के द्वारा जारी गाइडलाइन का उल्लंघन करते हुए पकड़ा जाता है तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उनके मामले बढ़ रहे हैं बहुत तेजी से, इसलिए सरकार ने निर्देश दिया कि मास्क पहन कर रहे हैं अपने भी और दूसरों को भी जागरूक करें, इसलिए मास्क के कार्यालय कराया गया है ताकि लोगों में जागरूकता है। उसका काम ये नहीं कि दंडित करना है, करते हुए ये देना है कि संदेश की सभी लोग मास्क पहने और डिस्टेंस अपना बनाए। सुल्तानगंज से अतुल भारती की रिपोर्ट। बांका सांसद गिरधारी यादव ने किया क्षेत्रीय दौरा, एनडीए कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ किया भव्य स्वागत। भागलपुर सुल्तानगंज में बांका सांसद गिरधारी यादव ने क्षेत्रीय दौरा के दौरान सुल्तानगंज मारवाड़ी युवा मंच पहुंचे और इस दौरान एनडीए कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। साथ ही जन समस्याओं को लेकर एनडीए कार्यकर्ताओं से रूबरू हुए। इस दौरान सभी एनडीए कार्यकर्ताओं को जन समस्याओं को लेकर अधिकारी एवं मंत्री को पत्र लिखकर सारी समस्याओं का निदान का आश्वासन दिया। इस दौरान बांका सांसद गिरधारी यादव ने मीडिया को बताया कि एमएलसी का चुनाव होना है, इसके लिए पार्टी की ओर से ऑल इंडिया हाउसिंग चेयरमैन विजय कुमार सिंह के साथ क्षेत्रों का दौरा कर रहे साथ ही एनडीए कार्यकर्ताओं द्वारा जन समस्याओं को लेकर ज्ञापन दिया गया। इसके लिए कार्य को प्रगति पर लाने के लिए अधिकारियों मंत्रियों से बातचीत कर ज्ञापन दिया जाएगा। इस दौरान सांसद प्रतिनिधि पवन किशान, जदयू प्रखंड अध्यक्ष सदानंद सिंह, विवेकानंद भी, वीर खुर्द मुखिया चंदन कुमार आदि लोग मौजूद रहे। तो अंतिम समय में फाइनल हो रहा है, इतना कम समय में प्रचार कर नहीं सकते। यदि इसमें तो किस समय किसका कब टिकट मिल जाएगा, कब कट जाएगा, कोई नहीं जानता। लेकिन अभी तक जो लगेगा थोड़ा सा रोड बढ़िया बन गया, सारा किसान ठीक इधर ही हो जी। इसका तो बन ही रहा है, लेकिन ये तो सुल्तानगंज का तो फोर लेन आ गया, जमीन एक बार हो भी रहा है, काम भी काम जब भूल गया तो काम खत्म हो जाएगा। लेकिन अकबर नगर का जाम जो ओवर ब्रिज है वो जरूरी है, जो भी होगा हम लोग लगे हुए हैं। जनता की मांग रहा है सर, अनुमंडल भवन पॉलिटिकल मुद्दा मत। अतुल भारती सुल्तानगंज की रिपोर्ट।